क्या खास लगी इस मूवी में? दीपिका की एक्टिंग एंड द स्टोरी और उसका जो मैसेज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मूवी JNU से रिलेटेड नहीं है। दीपिका अपना काम की इस मूवी में, उसका एक्टिंग डिफरेंट था, वो रियल स्टोरी बेस एक्टिंग की है। ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इससे मैसेज आता है और लोगों को समझना चाहिए। इट्स अ मैसेज फॉर बॉयज जो कि नो ले नहीं पाते हैं, तो वो लोगों को समझना चाहिए कि एसिड तो वो फेंक देते हैं बट उसके बाद रिपरकशंस क्या होता है वो एक लड़की ही समझती है जिसके साथ होता है, तो वो उन लोगों को भी देखना चाहिए। JNU में जब से दीपिका गई तब से राजनीति गर्म हुई और उनके मूवी का बहिष्कार होना शुरू हो गया। आज मूवी रिलीज हो चुकी है, मैंने सुबह में PNM मॉल से दिखाया कि लोगों की क्या रिएक्शन है मूवी देखने के बाद। अब हम पहुंचे हैं मोना सिनेमा हॉल और यहां पर लोग जो मूवी देखकर निकल रहे हैं उनसे हम बातें करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मूवी को लेकर। तो आइए चलते हैं उनसे बातें करते हैं। आपका नाम? आनंदिता जी। कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है जी। क्या खास लगी इस मूवी में? दीपिका की एक्टिंग एंड द स्टोरी और उसका जो मैसेज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फॉर श्योर बहुत अनकंफर्टेबल मूवी है बट आपको गूज़बम्प्स आएंगे जब आप देखेंगे तो। ओके, दीपिका की एक्टिंग सही थी? बहुत अच्छी थी। क्या खास किया दीपिका ने इस मूवी में? जो जिस तरीके से उन्होंने स्टोरी दिखाई है, जो विक्टिम की स्टोरी दिखाई है, वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई अलग किसी ने भी उसमें एक्टिंग करी है। एंड डेफिनेटली लोगों को मूवी देखनी चाहिए सो दैट दे नो कि क्या चलता है बहुत सारे जगह पर, एंड दे शुड नो। ओके, एक बात बताइए। हाँ हाँ, इट्स अ मैसेज फॉर बॉयज जो कि नो ले नहीं पाते हैं, तो वो उन लोगों को समझना चाहिए कि एसिड तो वो फेंक देते हैं बट उसके बाद रिपरकशंस क्या होता है वो एक लड़की ही समझती है जिसके साथ होता है, तो वो उन लोगों को भी देखना चाहिए जो गर्ल्स के ना और हाँ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो JNU में जो दीपिका जाकर खड़ी हुई उसके बाद उनके मूवी का और उनका विरोध हो रहा था, आपको क्या लगता है? दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है और डेफिनेटली वो उसकी अपनी चॉइस है जो वो JNU में गई एंड वहाँ पर खड़ी हुई, एंड वो सिर्फ खड़ी हुई, शी डिडंट गिव एनी स्टेटमेंट और शी डिडंट से अ वर्ड। उसके बाद भी पूरे कंट्री में इतना ज़्यादा ट्विटर वॉर और क्या क्या होने लगा, प्रूव्स कि एक विमेन क्या कुछ कर सकती है इस कंट्री में। कि जो कि नेशनलिस्ट, सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पूरे शेक हो चुके थे बट उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। मूवी एंड वो बहुत सेपरेट चीज़ है। ओके, तो मूवी वो सेपरेट, आप खुद एक वीमेन है और दीपिका का विरोध हो रहा था दीपिका के JNU जाने पर और इस मूवी का खास के विरोध किया गया, कैसी लगी आपको ये मूवी? ये मूवी JNU से रिलेटेड नहीं है। दीपिका अपना काम की इस मूवी में, उसका एक्टिंग डिफरेंट था, वो रियल स्टोरी बेस एक्टिंग की है कि क्या लड़कियों पर हो रहा है। एक एसिड किसी के चेहरे पर और बॉडी पर फेंक देना ये कोई कंक्लूजन नहीं होता है जी। आप जब फ्रेंडशिप कर रहे हो, कुछ भी आगे बढ़ रहे हो, तो इसका ये नहीं एग्जांपल है कि आप उस पर एसिड डाल करके और उस लड़की को पूरे लाइफ उसका हेल कर दोगे। अच्छा, जो लोग विरोध कर रहे हैं इस मूवी का उनको क्या मैसेज देना चाहिए? वो विरोध कर रहे हैं उनकी गलतफहमी है जी। JNU और मूवी में कोई सिमिलरिटी नहीं है, वो अपने अपने ओपिनियन है, एकदम देखनी चाहिए एटलीस्ट जिनको समझदारी नहीं है देख करके समझे तो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, आप भी एक लड़की हो और ये जो पूरा मामला इस मूवी का वो एक लड़की के बेस पे है जिसपे एसिड फेंक दिया गया था, अब मूवी का विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये बहुत बहुत विरोध नहीं, स्टूपिड जो कर रहे हैं बहुत स्टूपिड लोग हैं। ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इससे मैसेज आता है और लोगों को समझना चाहिए। हर चीज़ को पॉलिटिकली रिलेट करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, तो लोगों को समझना चाहिए। तो आपने मोना सिनेमा में मूवी देख ली? हाँ बिल्कुल। तो लोगों को क्या मैसेज देखना देना चाहेंगे जो विरोध कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक देखा नहीं? नहीं, तो सब लोग आकर देखिए ये मूवी को, जरूर देखिए और देखिए कि क्या किस वजह क्या रीज़न है मूवी बना है, किस चीज़ पर बेस हो गए। ये JNU और इसका कोई सिमिलरिटी नहीं मूवी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो सबको देखना चाहिए। JNU ये उसका प्रोफेशनल काम है, JNU में जो उसने किया वो उसका इंडिविजुअल स्टैंड था, आप पर्सनल प्रोफेशनल मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मोना सिनेमा का शो खत्म हो गया और यहाँ पे मोना सिनेमा से निकलकर जो लोग बाहर जा रहे हैं और जिन्होंने ये मूवी देख ली है उनकी जुबानी आपने सुनी कि इस मूवी का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मूवी कौन सी मैसेज देती है, आपने पूरी बात इनकी सुन ली। अब आप डिसाइड करिए कि जो विरोध कर रहे हैं वो सही हैं या फिर जो ये मूवी के बारे में बता रहे हैं उनकी बात सही है। जुड़े रहें आप लाइव सिटीज़ के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खास लगी इस मूवी में? दीपिका की एक्टिंग एंड द स्टोरी और उसका जो मैसेज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मूवी JNU से रिलेटेड नहीं है। दीपिका अपना काम की इस मूवी में, उसका एक्टिंग डिफरेंट था, वो रियल स्टोरी बेस एक्टिंग की है।
ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इससे मैसेज जाता है और लोगों को समझना चाहिए। इट्स अ मैसेज फॉर बॉयज जो कि नो ले नहीं पाते हैं, तो वो लोगों को समझना चाहिए कि एसिड तो वो फेंक देते हैं बट उसके बाद रिपरकशंस क्या होता है वो एक लड़की ही समझती है जिसके साथ होता है, तो वो उन लोगों को भी देखना चाहिए।